जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि हम लोग यूएई में मी टू सेलर से कैसे बचें। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी अपना ब्रांड लॉन्च करें, तो सबसे पहले इस चीज़ को तो अपने माइंड में रखना है, और ये कोई विनिंग स्ट्रैटेजी भी नहीं है कि जिस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा अच्छी सेल्स आ रही हैं आप उसी को बेचना शुरू कर दें एज इट इज़। इट्स नॉट गोना लाइक इट्स नॉट गोना वर्क। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये एक आइडिया के लिए मैंने इस लिस्टिंग को खोला है आपके लिए। देखें, इसमें ये कस्टमाइजेशन हुई हुई है, काफी प्रोडक्ट्स को ऐड किया हुआ है। ठीक है, और इसको कस्टमाइज्ड वे में ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। आप ये पेपर है, पेपर अलग है, ये जो भी चीज है, हमें कीवर्ड्स के आइडिया नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं ये सब अलहदा अलहदा प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब देखिए ये कस्टमाइज्ड है, एक इनोवेटिव वे में किया गया है, और एक फुल पैकेज बनाया गया है। तो अब बेशक यूएई में होलसेलर्स हैं, उनके पास हर किस्म का स्टॉक अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा प्रेप सेंटर या ऐसा नहीं है निज़ाम कि आपको एक एक प्रोडक्ट जो जो आपका लाइक लिस्टिंग हुई हुई है वो उनके पास अवेलेबल होगा, उसको कस्टमाइज करेंगे, प्रेप सेंटर भेजेंगे, पैकेज बनाएंगे, उसके बाद वो जाके एफपीए सेंड करेंगे या एफपीएम करेंगे, तो उनका वो जो सारा मार्जिन है वो उनका प्रेप सेंटर में ही निकल जाएगा। ये यूरोप साइड पर ये बहुत कॉमन है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जहाँ इस तरह करते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसा नहीं है। सो इस चीज़ का बेनिफिट हमें इस तरह हो सकता है कि हम जब लॉन्च करें तो उसको एक इनोवेटिव वे में करें, उसमें कुछ वैल्यूज को ऐड ऐसे किया जाए, ऐसे प्रोडक्ट्स किए जाए जो कि इजिली मार्केट में अवेलेबल ना हो। इसीलिए प्रोडक्ट रिसर्च पे कभी कभी मंथ्स लग जाते हैं, और उसको इवेलुएट करते हैं, और उसको देखते हैं कि ये इट्स गोना ना वर्क और नहीं। मार्केट गैप्स को आइडेंटिफाई करना होता है, आपने हर पैरामीटर को हर एस्पेक्ट से देखना होता है जब आप अपनी लॉन्च करते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी अभी भी मैं बहुत से लोगों के साथ एंगेज हूँ, और उन लोगों का ये सबसे बड़ा कॉमन मसला जो मैंने देखा है आ रहा है कि ठीक है, फ्री नॉलेज या यूट्यूब नेट ग्रुप्स कुछ ऑर्गेनाइजेशन फ्री में नॉलेज हमें बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रही हैं, और वो समझते हैं कि बस सब नॉलेज, ये सब आइडिया, ये टेक्निकलिटी, बस टोटल यही था, जस्ट जो भी विनिंग प्रोडक्ट है, क्राइटेरिया गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली, अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंगली वो उसको लॉन्च कर देते हैं, और उसके बाद डेड सेल्स, इन्वेंट्री आपकी फंस गई, सेल्स नहीं आ रही, इस तरह नहीं है। ठीक है, बेसिक नॉलेज मौजूद है, लेकिन आपका एक लॉन्च प्लान या कौन सी चीज आपकी वर्क करेगी कौन सी नहीं, ये देखना है आपने, इसको आपने डीपली देखना है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जिस प्रोडक्ट को आप समझ रहे होते हैं कि बहुत विनिंग होगी ये, ठीक है, बहुत इसकी डिमांड है, और ये इससे एवरग्रीन होगी, फ्यूचर में इसकी डिमांड होगा, हम अपनी ऑल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको लॉन्च कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में ये होता है कि किसी ना किसी एक पॉइंट पे आप ऐसा मिस करते हैं एक पॉइंट को आप, कि आपकी सारी लॉन्च रह जाती है। तो जब भी आपने बिजनेस आपने एस्टेब्लिश करना है, जब भी आपने लॉन्च करनी है, प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, तो उसको आपने काफी डीपली रिसर्च करना है, मार्केट गैप्स को आइडेंटिफाई करना है, आपने उसका टाइम पीरियड माइंड में रखना है कि ये आपने उसके डिजाइन्स पे वर्क करना है, आपने उसके कस्टमाइजेशन पे करना है, आपके और भी बहुत से पैरामीटर्स हैं जब आपने लॉन्च करनी है। ठीक है, तो आपने कंपटीटर्स को भी देखना है, आपने जाके कैसे, किस स्ट्रेटजी से, किस बजट से, कितने टाइम पीरियड में, कैसे आपने जाके वहां पे एग्जिस्ट करना, जहाँ पे टॉप 10 सेलर्स बैठे हुए हैं और सेल्स ले रही हैं, आपने भी वही नंबर ऑफ सेल अपनी लिस्टिंग के लिए कैसे लेके आना है। सो ये सारी आपकी प्री प्लानिंग होती है, आप इस पे पहले से काम करते हैं, उसके बाद जाके आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। तो आज का हमारे सवाल का जवाब यही है कि मी टू सेलर से कैसे बचा जाए यूएई मार्केट में। तो वो लॉन्च करते वक्त आपने अपने सारे पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं कि आपने कैसे लॉन्च करनी है। ऐसा प्रोडक्ट जो बिल्कुल इजीली अवेलेबल ना हो, या कस्टमाइज हो सके, या फिर काफी मुश्किल हो उसको कस्टमाइज या पैक करके अमेजोन FBA या FBM करने में, जिसमें तरद्दुद हो। ठीक है, तो ऐसे ये, अब ये एक एग्जांपल है
ये सारा आपका सेट पैकेज ये इजीली आपका कस्टमाइज या नहीं होगा, ठीक है, मीटो सेलर्स के लिए। दूसरी एग्जांपल है, अच्छा इसको आपने देखा है, स्काई टच एक डोमिनेंट ब्रांड है। अब देखिए इसमें ये हुक्स हैं, ठीक है, एडहेसिव हो, ये इजीली मीटू हो जाएंगे अगर कोई करना चाहे, लेकिन ये लिस्टिंग बची हुई है जस्ट इस वजह से क्योंकि यहाँ पे अमेजोन इसको बेच रहा है या ब्रांड डोमिनेंट होता है, ठीक है, इसलिए मीटू से बची हुई है और हमारे क्राइटेरिया में ये दोनों चीजें नहीं आती। अच्छा ये जो पैक ऑफ हुक्स है, ठीक है, ये आपके पास ये डिजाइन अवेलेबल हो और इसको पैक ऑफ 20 पीसेस, ठीक है, इजीली कोई भी इसका पैकेज बनाए उसको मीटू कर दें। लेकिन यहाँ पे 2 पैरामीटर्स की वजह से ये लिस्टिंग सेफ है, एक अमेजोन और एक ब्रांड डोमिनेंट। अदरवाइज एज अ प्रोडक्ट अगर इसकी बात की जाए तो ये मीटू के करने के लिए ये लिस्टिंग बहुत ईजी है। थैंक यू सो मच, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।